नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीश राज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीश राज में दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 10 बाय 10 का अगर रूम बनवाते हो आप, ठीक है, तो उसमें कितना ब्रिक्स लगेंगे 9 इंच दीवार के लिए, और 4.5 इंच दीवार का अगर ब्रिक्स वर्क करवाते हो तो कितना ब्रिक्स लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। 10 बाय 10 रूम में कितना ब्रिक्स लगेंगे, ईंट लगेंगे, तो 10 बाय 10 का ये रूम है। 10 लेंथ है इसका, देख सकते हैं, और 10 ब्रेथ है। 10 बाय 10 साइज का ये रूम है जिसमें हमने एक डोर डाला है, ठीक है। दरवाज़ा 7 फुट × 3 फुट है, और विंडो आपका 4 फुट × 3 फुट है, ठीक है, खिड़की जिसको बोलेंगे। तो दोस्तों, रूम का साइज 10 बाय 10 हो गया, और हाइट इसका 10 फुट है, ठीक है। ऊँचाई इसका रूम का 10 फुट है, ब्रिक्स वर्क किया गया है, और डोर इसका हो गया 7 × 3 फुट, विंडो 4 × 3 फुट, और वेंटिलेशन भी एक प्रोवाइड किया गया है। वेंटिलेशन को रोशनदानी बोलते हैं, ठीक है, गर्म हवा को पास करने के लिए होता है। तो 1 फिट × 1 फिट है जो अपना डोर का, विंडो का और वेंटिलेशन का जो एरिया है, ठीक है। टोटल एरिया डिटेक्ट सन ये आपको 7 फिट × 3 फुट हो गया, 21 स्क्वायर फुट हो गया दोस्तों, और 4 × 3 खिड़की का जो है तो 12 स्क्वायर फुट हो गया, 1 बाय 1 फुट हो गया 1 स्क्वायर फुट। तो यह हो गया 21 + 12 + 1 = 34 स्क्वायर फुट हो गया। एरिया ऑफ आपका रूम हो गया, एरिया ऑफ रूम 10 फुट × 10 फुट = 100 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक। यह सिंगल वॉल का हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया 100 × 4 = 400 स्क्वायर फुट हो गया चारों तरफ का, इसका एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, चार तरफ, ठीक है। अब हमको नेट एरिया प्राप्त करना है, तो नेट एरिया ऑफ ब्रिक्स वर्क 4 साइड। देखिए दोस्तों, 400 हो गया टोटल्स एरिया हो गया, तो 400 स्क्वायर फुट माइनस आपका 34 स्क्वायर फुट में खिड़की दरवाज़ा, खिड़की का हो गया, दरवाज़ा का हो गया, वेंटिलेशन का माइनस करेंगे तो 34 स्क्वायर फुट हो गया 366 स्क्वायर फुट हो गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स वर्क का अगर बात कर लें तो आपका 9 इंच का है, ठीक है। वॉल 4 9 इंच वॉल, तो 366 स्क्वायर फुट, ठीक है, गुने आपका 9 इंच डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है, तो ये फुट इंच को हमने फुट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये आपका इकल के आ जाएगा 274.5 क्यूबिक फुट एरिया इकल के आ गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 m³ = 35.32 CFT होता है, क्यूबिक फुट, ठीक है। तो यह आपका 274.5, और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 35.32 से, तो यह हमारे पास मीटर क्यूब में बदल जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 7.77 m³ आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स वर्क हो गया। फ्रेंड, 9 इंच वॉल के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे जानते हैं
एक मीटर क्यूब में आपका 500 ब्रिक्स लगते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना था, 7.77 मीटर क्यूब था वॉल्यूम, ठीक है, टोटल ब्रिक्स वर्क का। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा आपका 7.7 × 7 × 500, ठीक है, क्योंकि एक मीटर में 500 ब्रिक्स होता है। तो 7.7 मीटर क्यूब में आपका हो जाएगा टोटल्स ब्रिक्स हो जाएंगे 3886 ब्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है। वेस्टेज ब्रिक्स का अगर बात कर ले तो वेस्ट ब्रिक्स आपका 2% होता है टोटल ब्रिक वर्क का। तो 2% इसका निकालेंगे 3886 ब्रिक्स का 2% अगर हम निकाल देंगे तो यह आपका हो जाएगा 78 ब्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ब्रिक्स हो गया, टोटल ब्रिक्स आपका हो गया 3886 प्लस 78 ब्रिक्स, तो यह हो गया 3964 ब्रिक्स लग जाएंगे आपको। 9 इंच का अगर दीवार बनाते हैं, 10x10 का रूम जोड़ते हैं 9 इंच का, तो आपका इतना ब्रिक्स लग जाएगा। वहीं अगर बात कर ले 4.5 इंच का अगर दीवार वाल का अगर बात कर ले तो आपका वॉल्यूम जो निकल के आया था, वॉल्यूम ऑफ 4.5 इंच वाल का टोटल चारों तरफ का वॉल्यूम जो निकल के आया था आपका 366 × 4.5 इंच डिवाइडेड बाय 12, 4.5 इंच का दीवार जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यह आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 3.88 मीटर क्यूब आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक मीटर क्यूब में आपका 500 ब्रिक्स होता है, तो टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स 4.5 इंच दीवार के लिए, तो कितना हो जाएगा 3.88 मीटर क्यूब गुने 500 ब्रिक्स, तो यह आपका निकल के आ जाएगा 1943 ब्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और 2% आज वेस्टेज ब्रिक्स 2% ऑफ टोटल ब्रिक्स, तो यह आपका हो जाएगा, इसका 2% निकालेंगे 2%, तो यह आपका हो जाएगा 38 ब्रिक्स, ठीक है। तो फ्रेंड टोटल ब्रिक्स आपका हो जाएगा, ठीक है, 4 इंच का अगर दीवार जोड़ेंगे 4.5 इंच का दीवार, तो 1943 और जो वेस्ट ब्रिक था 38, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल ब्रिक्स का संख्या आपका आ जाएगा 1981 ब्रिक्स आ जाएगा, 1981 ब्रिक्स आ जाएगा अगर आप 4.5 इंच का चारों तरफ ब्रिक्स वर्क करवाते हैं तो 10x10 रूम। दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।